हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा चावला। तो भाई मैं इस टाइम नहा के रेडी होके बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ और चाय भी मैं पी रहा हूँ। बस अपना यार टाइम तो पूरी 7:30 हो चुकी है, स्कूल का टाइम भी हो गया 7:40 का टाइम है। बस अपना बस निकल रहा हूँ 5 मिनट में और स्कूल से आते हुए मेरी स्कूल की क्लियर 12:30 हुई और 1 बजे से ट्यूशन है। तो मैं सीधा ट्यूशन से आके आपको मिलूँ, तो मैं ना डायरेक्ट वहीं से चले जाता हूँ स्कूल से सीधा ट्यूशन ही। बस अब मैं निकल रहा हूँ बैग पैक करना, आगे तो यार जूते ही पहनने हैं। चलो मैं सीधा आगे आपसे बात कर। तो भाई मैं जस्ट अभी स्कूल से आया और बैग उठा रहा, कपड़े बदले और सोच नहीं पाई ट्यूशन के लिए। ना प्रभु प्रभु बड़ा काम है। हेलो गाइस, तो मैं ट्यूशन से आ चुका हूँ और भाई थक गया था। मैं पहले 5 घंटे स्कूल लगाओ फिर उसके बाद आके 1 घंटा ट्यूशन लगाओ, दिमाग खराब है ना, दिमाग इतना खराब हो गया। चाय तेरे माला आने लगा यार, हाँ ही काम करना मेरे का सर फट रहा मेरा तो इतना ज़्यादा। मैं तो सर बहुत सारा थोड़ी देर नींद आ रही पल ली, फिर भी फिर जल्दी जल्दी उठ गया था। आज काफ़ी टाइम बाद स्कूल गया मुझे और दिमाग खराब कर दिया मैडम ने देखते ही। आज गाइस मैं बस अभी मैं आधे घंटे पहले ही उठा और मैंने टीवी चालू करा, टीवी में न्यूज़ आ रही थी कि कोई चमत्कारी बाबा है जो खाली ऐसे करता है 3 बार ऐसे करता है हाथ में दर्शन तक आ रखता है। पता नहीं पीछे ना कई लोग उसको देखने के लिए गए थे और उसमें कोई एक्सीडेंट हो गया था बड़ा बंदा जिसमें लोग मर गए थे। नहीं मतलब कैसे होता भाई ऐसे 3 बार उंगली घुमाया उसको दर्शन तक करा दिया और अब वो बाबा ही खड़ा रहा है, उंगली झूठ रही है उसको पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। वो तो यार ये सब फेंक ही ऐसे थोड़ा ना कर देगा बिल्कुल। 3 बार उंगली घुमा दी चलो जी सुदर्शन चक्र आ गया, एनिमेशन बना रखी क्योंकि भैया तो कोई पीछे जब ना कहते जब ये आता है ना सुदर्शन चक्र पहले बिजली को रखती है इनके दिन में बिजली इनके जुर्म के लिए यार पागल बना रखा है यार ये नवे नवे बाबा आ रहे हैं अपना। एक वो किरमाड़ा अब्बा जानते ही आपको पता ही होगा कौन से मेरे किरमाड़ा के नाम से नवे नवे जोकर निकाल रखे हैं भाई। और क्या रियल तो सिर्फ 2 ही है भाई, एक अपने प्रेमानंद महाराज एक जो बागेश्वर बाबा है उनका तो मैं इनको भरोसा पूरा। बाकी तो सारे ऐसी है पिक्चू पिक्चू तो नहीं फिर भी यार ऐसे कैसे होते हैं 3 बार उंगली घुमाएगा तो मैं सुदर्शन चक्र आ गया सब फाट है और फेक आ गई सब कुछ हाँ तो भरोसा नहीं करता इन पर। और वैसे ही फरार है बाबा बोलिए उसने तुम लोगों को जान भी करवा दी है मेरा खुद फरार है। अरे गाइस इतना मस्त मौसम हो रखा है ना बाहर, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, इतनी ठंडा मीठा मौसम हो रखा है, मज़ा आ रहा है बाहर। अब आया मैं घर और मम्मी का फ़ोन आया था कहते थोड़ा कुछ सामान लाना, तो मेरे को बता दो मैं रास्ते में से निकल जाता हूँ। फिर अब सीधा रास्ता सामान दे के अब घर आया हूँ और अपना शेक पीऊँगा बस। गर्मी पड़ी यार बाहर तो ये सही हो जाती है, अंदर तो बहुत गर्मी है। हाँ क्या मजा है भाई रोड पे हो गया रोड़ा पूरा रोड जाम कर दिया उठा के। भाई मेरे को ना भूख लग रही तो पहले मैं चला गया अपना मोमोज खाने, फिर वहाँ से मैंने घर के लिए अपना डोसा पैक करवा लिया। डोसा लेके आया रास्ते में देखा मतलब चौक पर इतनी भीड़ हो रखी, लड़ाइयाँ हो रखी थी, कोई वैन वाले ने स्विफ्ट वाले को ठोक दिया, दोनों दूसरे को लड़े पड़े हैं, वैन वाले का तो शीशा फूट गया, उधर गाड़ी वाले को रोक के खड़ा पलट में 10 मिनट खड़ा रहा। आधे लोग तो ऐसे है ना कि वहाँ पे बीच बीच में जाना ही खड़े हो गए ओए फीकने लग गए दिमाग खराब पागल मैं तो आ गया उनका छोड़ा उनका कुछ मैंने पैसे देने देने करने और आ जाना होते लड़ाई होती तो मैं देखता भी खड़े हो गए मैंने कहा छोड़ यार आ गया एक आधा हम भी जाकर ला देते। मैंने कहा मम्मी ने कुछ बनाया तो है नहीं ले चलता हूँ और सांभर भी खाती अपना रोटी खाते हैं। तो भाई मैं जा रहा हूँ बाहर, मेरे को आ गया दोस्त का फल, मैंने डोसा भी खा लिया, पेट मेरा अभी भी मेरा खराब वापस बाद में लगा रोटी अभी जा रहा हूँ बाहर। चल रहे हो तो जिंदा हो, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, हवा के झोंकों के। भाई टाइम देख लो 10:30 हो गया और मैं निकला था घर से 9:45। मम्मी का वो फोन आए भाई साहब, मैंने बोला अब तो भाई घर चल गया तू बस
अब मैं और फ़ोन नहीं उठा सकता भाई, भाई दो दो फोन तो मैंने काट ही दिए। अब भाई हूँ घर अपनी खेल के पास गया था, फिर रास्ते में खड़े मैंने कहा बाहर से खा के आता तो मम्मी मेरे को बोलती मैंने कहा मैं घर बैठ जाऊँगा आराम से, इतने देर में रोटी तो मेरी मम्मी इतनी देर में चावल ही बनाते चावल खाओ। तो भाई आज की वीडियो पर डिपेंड करता, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, जय श्री राम।